जैसा कि आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर झांसी जिले से आ रही है, जहां झांसी के थाना उल्दन अंतर्गत बंगरा चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को गोली मारी और मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कर मौके से फरार हो गया। इस चौकी इंचार्ज ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को एक के बाद एक खुद की सर्विस रिवॉल्वर से लगातार 3 गोलियां मारी, जिससे बाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है और आरोपी पति दरोगा अपनी पत्नी को मेडिकल कॉलेज में लाकर मौके से फरार हो गया। वहीं गर्भवती पत्नी झांसी के मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर गंभीर रूप से घायल के माँ बाप का क्या है कहना, देखिए रिपोर्ट। ललितपुर लाइव टीवी के लिए झांसी से सुमित साहू की रिपोर्ट। शशांक मिश्रा हमारा दामाद है, पुलिस में है, चौकी इंचार्ज है, बंगरा चौकी इंचार्ज, नंबर 1 का भ्रष्ट है। इसने अपनी इतनी नंबरखोरी का काम करता है, खूब रिश्वत खाता है, खूब अपराधियों से साठगांठ है उसकी और नंबर 2 की कमाई खूब करता है। और नंबर 2 की कमाई करने के बाद उसने काफ़ी प्रॉपर्टी कर ली है, यहाँ 3 मंजिल का मकान बनवा लिया सिर्फ बिहार कॉलोनी में, और सिमरदा में ज़मीन खरीद ली है, प्रॉपर्टी की प्लाट कई पड़े हैं उसके। नंबर 2 की कमाई करता है, भ्रष्ट अधिकारी है, हरामी, बहुत परेशान करके रख दिया हम लोगों को। तो उसकी कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ, उसके अपराधियों से साठगांठ है बहुत ज़्यादा, उसको कोई डरता नहीं है किसी को भी। हम यही कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्ट है और राजनीतिक संरक्षण में यहाँ पे अपराधियों से साठगांठ करके जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। इसका कहीं दूर किसी जनपद में इसको हटाया जाए और इसके विरुद्ध जो है इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच कराई जाए। रेंजी ने बताया कुछ चल अचल संपत्तियाँ उसने बना रखी हैं, हाँ, लेकिन सब माँ के नाम, माँ और भाई आई के नाम लेता है, अपने नाम कुछ नहीं है उसके। हाँ, लड़की से बात हुई तो उसने यही बताया है कि पापा इनने 3-4 गोली मारी। मैंने केवल इतना कहा है इनसे कि आपको जल्दी आना चाहिए था, आप 11 बजे आए हैं और थोड़ी जल्दी चले आते, और तो बहस होने लगी इनकी। बहस में उसने निकाली अपना जो भी उसके पास असलाह था, उससे 3-4 फायर किए, एक लड़की ने बचाया तो एक उसके हाथ में लगी, एक यहाँ लगी है दाहिने साइड में, और एक उसने जब सटा के लड़की को सिर में गोली मारने की कोशिश की तो वो झटक के और दूसरे के कमरे में और जो किराएदार रहते हैं उसके यहाँ घुस के उसने जान बचाई। अभी लड़की हालत कैसी है? लड़की की हालत ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग भी उससे मिले हुए हैं। यहाँ का जो डॉक्टर उल्टा हम लोगों की शिकायत चौकी में कर रहे हैं कि वो लोग आए और उनके माँ बाप ने जो है, मैं तो अभी चला आ रहा हूँ, क्या वो अभद्रता कर रहे हैं, यहाँ पे इलाज नहीं होने दे रहे सही ढंग से, इलाज रोके हुए हैं लड़की का, लड़की की सीरियस कंडीशन है और उल्टी हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों की ही शिकायत कर रहे हैं डॉक्टर लोग चौकी में। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो किया है उसने और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं सबके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो और न्याय मिले। झांसी जनपद में थाना उल्लन क्षेत्र अंतर्गत एक बंगरा चौकी है, उस बंगरा चौकी का चौकी प्रभार के रूप में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पारिवारिक विवाद को लेकर अपना पत्नी का ऊपर सर्विस पिस्टल से फायर किया है, जिसमें पत्नी का दाहिने हाथ में गोली लगी है, अभी खतरे से बाहर है और आरोपी सब इंस्पेक्टर को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। तत्काल प्रभाव से उस आरोपी सब इंस्पेक्टर को हम लोग निलंबित किया गया। परिवारजन द्वारा तहरीर देने पर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।